ओम नमो श्री वेंकटेशाय। मैं प्रोफेसर SVSS नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आधुनिक हिंदी साहित्य के छायावादी युग के प्रमुख स्तंभ श्री जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित महाकाव्य अमर काव्य कामायनी के आशा सर्ग से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अब धीरे धीरे मन की जो कल्पनाएं कैसे हैं अब हम आगे देखेंगे। मनु रात्रि को विभिन्न रूपों में देखते हैं, कहीं उन्हें वो चिड़ाती प्रतीत होती है तो कहीं अभिसारिका के रूप में देखती है, अन्यत्र सहेली सी लग रही है। इस संपूर्ण पद में उसी को संबोधित करते उसमें विभिन्न भावों का आरोप किया गया है। अब इस पद में वे रात्रि को उपालंब दे रहे हैं, कैसे हैं पहले पद देखेंगे। जब कामना सिंध तट आई ले संध्या का तारा दीप, फाड़ सुनहली साड़ी उसकी तो हस्ती क्यों अरी प्रतीत। जब कामना सिंध तट आई ले संध्या का तारा दीप, फाड़ सुनहली साड़ी उसकी तो हस्ती क्यों अरी प्रतीत। सबसे पहले कठिन शब्दार्थ देखेंगे, कामना इच्छा, सिंध तट समुद्र का किनारा, तारा दीप तारे रूपी दीपक, प्रतीप विरुद्ध कार्य करने वाली। देखिए अब कैसे लग रहे हैं, अरे विपरीत चलने वाली जब मेरी अभिलाषा संध्या के तारा रूपी दीवा लेकर समुद्र के किनारे पर आई थी। अर्थात इसका अर्थ यह है कि संध्या काल में चमकते तारों के प्रकाश में मेरी अभिलाषाओं का सागर लहराने लगा था, तो तू उसकी सुनहली साड़ी अर्थात मनोहर आवरण को फाड़कर क्यों हंसती है। तू मेरी उस अभिलाषा को नग्न करके किलकिला रही है। इसका तात्पर्य है कि संध्याकालीन सौंदर्य को जब आकाश में तारे चमकने लगे थे देखकर वह सर्वथा उन्मुक्त रूप से प्रकट हो गई। इस पद की विशेषताएं अभी अब देखेंगे। यहां सिंधु तट सुनहली साड़ी दोनों प्रतीक हैं। कामना का ऊपरी भव्य रूप ही सुनहली साड़ी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मनु का आशय यह है कि रात्रि के उन्मादक वातावरण में उनकी वासना उन्मुक्त हो गई है, उसे छिपाना कठिन हो गया है। सिंधु तट और सुनहरी साड़ी दोनों में रूपकातिशयोक्ति है, तारादीप में रूपक है। रात्रि का चांदनी से अत्यधिक खिलना ही उसका हंसना है, रात्रि की शोभा के कारण ही वासना उन्मुक्त हुई है। परंतु उन्मुक्त होना पहले और हंसना बाद में कहा गया है, इसीलिए कार्य कारण पौर्य पर्यातिशयोक्ति व्यंग्य है। कामना एवं रात्रि का मानवीकरण किया है, यहाँ समासोक्ति भी है इसके द्वारा। और इस पद में जयशंकर प्रसाद जी बढ़िया ऐसे बताते हैं कि देखिए इतना ऐसा वर्णन है, जब कामना सिंध तट आई ले संध्या का तारा दीप, फाड़ सुनहली साड़ी उसकी तो हस्ती क्यों अरी प्रतीप। इसका अर्थ बताते हैं, संध्याकालीन सौंदर्य को जब आकाश में तारे चमकने लगे थे देखकर वह सर्वथा उन्मुक्त रूप से प्रकट हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद।